हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। कल हम लोग पीरियोडिक टेबल शुरू किए थे और पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, और पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में लवोजियर, फिर प्राउड्स, फिर डबोनियर, ठीक है ना, डोबेनियर ट्रायड रूल, ये तीनों मैंने आपको बता दिया था। अब आगे आज हम लोग आते हैं बेटा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। देखो बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बोला गया, हमारे न्यूलैंड साहब ने कहा कि एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए, और जब आप ऐसे अरेंज करेंगे तो पहले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो आठवें के समान हो जाएगी। द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू एर्थ वन। If you arrange the element in increasing order of atomic weight, the property of first element is similar to the eighth one on the basis of musical notation. On the basis of musical notation, like this, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, और यहां पे आ गया सा। आप देख रहे हैं ये पहले पे सा है और ये आठवें पे सा है। इसका मतलब पहले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो आठवें के क्या हो जा रही है, समान। यानी द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू एर्थ वन। पहला वाला एलिमेंट जो है वो हमारे आठवें के क्या होता है, समान होता है। द पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी आठवें के समान हो रही है, ये ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोटेशन। दरअसल हुआ क्या, सभी लोग पीरियोडिक टेबल बना रहे थे और हमारे न्यूलैंड साहब जो थे बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे, इनको गाना बजाने का बड़ा शौक था। इन्होंने कहा भाई सब लोग पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो हम भी पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, हम क्यों पीछे रहे। तो इन्होंने भी जो पीरियोडिक टेबल बनाने का पूरा प्रयास किया, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही कहा कि एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो, और पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी तुम आठवें की जैसे पा जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोटेशन, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, पहले पे सा और आठवें पे सा, सा सा इन्होंने बैठा दिया। लेकिन बेटा दिक्कत क्या आई, समस्या क्या आई, सबसे बड़ी समस्या ये थी ना, ये जो रूल था, दिस रूल इज वैलिड ओनली फ्रॉम लिथियम टू कैल्सियम। ये जो रूल था बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक था, लिथियम से कैल्सियम तक था। क्योंकि जब आप कैल्सियम से आगे जाओगे तो फिर यहां डी ब्लॉक आएगा, और डी ब्लॉक आने की वजह से जो हमारा डिफरेंस जो है आठ का होता था, अब हमारा डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 18। तो हमको कई बार गाना पड़ेगा सरेगमा पधनीसा सरेगमा पधनीसा सरेगमा पधनीसा, तब भी जाकर के मेरा सा से सा मिल नहीं पाए था। ऑक्टेव का मतलब क्या था, ऑक्टेव का मतलब था फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू एर्थ वन। लेकिन बेटा ये रूल, पहली बात तो याद रखिए, दिस रूल इज वैलिड ओनली फ्रॉम लिथियम टू कैल्सियम, ये हमारा लिथियम से कैल्सियम तक ही वैलिड है, उसके बाद बेटा ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी गलती इनकी क्या मिली, लोगों ने कहा न्यूलैंड अंकल अगर इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई तो तुम यहां इनर्ट गैस को रखोगे। चलो एक पल के लिए मान लो इनर्ट गैस को तुमने यहां पे रख दिया और अब गाना गाना शुरू कर रहे हो, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तुम्हारा सा यहां पे आ गया। अब जो पहला वाला एलिमेंट है वो आठवें से ना मैच करके किससे मैच करेगा, नौवें से। यानी दो गलतियां न्यूलैंड साहब के मिल गई, एक तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी होने के बाद एक पीरियड में जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो पहले सात थे अब कितने हो गए, आठ। तो अब हमारा पहला किससे मैच कर रहा है, नौवें से। अब पहले क्या होता था, सात एलिमेंट होते थे, पहला किससे मैच करता था, आठवें से, जिसको हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते थे बेटा, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा पहला किससे मैच करने लगा, नौवें से। तो इनर्ट गैस की आने की वजह से यहां समस्या आ जाएगी। दूसरी बात, ये रूल कहां से कहां तक वैलिड है, तो आप बोलोगे दिस रूल इज वैलिड ओनली फ्रॉम लिथियम टू कैल्सियम। अब देखिए ये इनकी दिक्कत के बाद अगला जो हमारा आता है वो थे लोथर मेयर कर्व। ही प्लॉटेड ए कर्व। हमारे जो लोथर मेयर साहब थे ना बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, उनको कुछ भी मिलता था तो उठा के सीधे क्या बना देते थे, ग्राफ।
सीधे उठा के बनाते थे वो ग्राफ, ग्राफ बना के आगे बढ़ने लगते थे। तो इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया। ही प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ बनाया और ग्राफ की जो है पोजीशन भी डिसाइड की। ये देखिए, ये सबसे पहले जो था सबसे ऊपर था, ये टॉप पोजीशन था, और ये नीचे वाला जो था ये बॉटम था, और ये जो था हमारा एसेंडिंग पोजीशन था, और ये जो था हमारा डिसेंडिंग पोजीशन था। और इन पोजीशन के बेसिस पर इन्होंने जो है ग्राफ को, एलिमेंट को प्लेस किया, ग्राफ की पोजीशन के बेसिस पर। पहले देखो इसको ग्राफ की पोजीशन याद कैसे करना है, क्योंकि आप याद करने में भूल जाते हैं। तो देखिए याद कैसे होगा, टॉप का मतलब याद रखना एक नंबर, एक नंबर का मतलब क्या होता है एल्कली मेटल, एक नंबर का मतलब क्या होता है एल्कली, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। एक के बाद क्या आता है बेटा दो, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्सियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। तो बेटा याद करने का ट्रिक याद रखो, एक नंबर हमेशा कहां रहेगा ऊपर, और एक के बाद क्या आता है दो, दो तो ऐसे याद हो गया। अब भारी भरकम लोगों को कहां बैठाओगे, हमारे जैसे भारी भरकम लोग कहां बैठेंगे, तो भैया हम लोग नीचे ही बैठ सकते हैं। जैसे मेटलॉइड, मेटलॉइड आर प्रेजेंट एट द बॉटम, दीज आर द मेटलॉइड। और उनको याद करने के लिए कैसे याद रखना, ऐसे याद रखना है बाबा शिव ऐसी तेरी आत्मा, बाबा शिव ऐसी तेरी आत्मा। बस एक बार बाबा शिव को याद करिएगा, सारे के सारे मेटलॉइड आपको याद हो जाएंगे। एसेंडिंग पोजीशन पे कौन होता था, हैलोजन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन आर प्रेजेंट एट द एसेंडिंग पोजीशन, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट एट द टॉप, एंड एल्कलाइन मेटल आर प्रेजेंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल आर प्रेजेंट एट द डिसेंडिंग पोजिशन, एंड बॉटम आर ऑक्यूपाइड बाय द मेटलॉइड्स। ठीक है ना, याद करने का सिंपल ट्रिक याद रहेगा, एक नंबर हमेशा टॉप पे, दो नंबर उसके नीचे, भारी भरकम लोग बॉटम पे, और एसेंडिंग पे कौन है जो तेज तर्रार होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो एकदम चढ़ने वाली पोजीशन पे रहते हैं, एसेंडिंग पोजीशन पे। तो इसमें याद क्या रखना, आपसे ये पूछेगा पहली बात तो ये ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट किया गया था और एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है। तो चलिए बेटा ये हमारा था, ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा हम लोग फिर से अपने पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए बेटा हम लोगों ने यहां पर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में जब भी आप नोट्स बना रहे होंगे बेटा तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोटेशन, लाइक द म्यूजिकल नोटेशन सारे गामा पदनी सा, द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एर्थ वन, बट दिस रूल इज वैलिड ओनली फ्रॉम लिथियम टू कैल्सियम बिकॉज आफ्टर कैल्सियम देर इज द डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस द टोटल एलिमेंट इन द पीरियड बिकम 8 एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज द सिमिलर टू द 9th वन, सो दिस रूल हैड टू बी ड्रॉप। फिर हमारा आया कौन बेटा, लोथर मेयर कर्व। देखिए लोथर मेयर कर्व में हमने आपको बताया ग्राफ किसके किसके बीच बना था, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, द टॉप पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एल्कली मेटल, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑन द डिसेंडिंग पोजीशन, मेटलॉइड आर प्रेजेंट एट, मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन आर प्रेजेंट एट द बॉटम, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट एट एसेंडिंग पोजिशन। ये था लोथर मेयर कर्व, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए लोथर मेयर कर्व के बाद हम लोग आते हैं मेंडलीव पे। अब सबसे पहली बात ना, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे किसी ने भी ढंग की बात अभी तक की नहीं थी, जितने भी लोग आए वो फालतू की बात बोल करके चले गए। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज किया था वो कोई और नहीं मेंडलीव थे। मेंडलीव वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाई द एलिमेंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर। पहली बात तो ये याद रखना मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। सपोज जैसे मान लीजिए मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, ये रखा ये रखा ये रखा ये रखा, यहां तक आया,
फिर लौट के मैं यहां आया, ये रखा ये रखा ये रखा ये रखा यहां आया, फिर लौट के मैं यहां 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 यहां, और इस तरह से मैं लगातार एलिमेंट को रखते जा रहा हूं। यहां से यहां तक बीच का जो इंटरवल है हमारा वो सेम है, और एक ही पॉइंट को अगर बार बार हम रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब आप मेंडलीव का लॉ बोलते हैं तो कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। भाई एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन किसका? एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। रिपीटेशन किसका बार बार हो रहा है? रिपीटेशन हमारे एटॉमिक वेट का बार बार हो रहा है, यानी एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में हम जा रहे हैं। तो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट एक साथ अरेंज होते चले जा रहे हैं। तो देखिए हमारे लिए कितनी अच्छी बात थी, अभी तक कोई भी एलिमेंट, किसी ने भी एलिमेंट को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं किया था और ना ही कोई टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था। तो मेंडलीव जो थे हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में क्या किया था? अरेंज किया था। और इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया, तो देखिए इनकी कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देखते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये देखिए बेटा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब बात आती है ये बेस किस पे था? बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। 63 एलिमेंट वाज नोन। अभी इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, 63 एलिमेंट जो थे वो हमारे नोन थे। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, हमने बताया ना ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या किया? अरेंज किया। हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उनको पीरियड कहते हैं, और कितने हॉरिजॉन्टल रो होते हैं? तो 7। 7 हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। जो हमारे वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं, और टोटल कितने ग्रुप थे हमारे? 8। याद रखिएगा टोटल ग्रुप जो थे हमारे 8 थे। 1 2 1 2 जो 7 थे, 1 2 7 इनके दो सब ग्रुप थे ए और बी, और जो हमारा आठवां ग्रुप था वो 3 में डिवाइडेड था। देखिए यहां पे हम कह रहे हैं ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए बी सब ग्रुप, जिसमें ए को हम लोग नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते थे और बी सब ग्रुप को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे, ठीक है ना। जो एर्थ ग्रुप था कंसिस्ट ऑफ द 9 एलिमेंट इन 3 रो, 9 एलिमेंट इन 3 रो, यानी कि बेटा ग्रुप कितने थे हमारे? 8। 1 से 7 तक के 2 सब ग्रुप थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवन ए सेवन बी, और आठवें के क्या थे? 3 रो थे, ठीक है ना, 3, ठीक। उसके बाद जो भी एलिमेंट एक ग्रुप में आते थे उनकी प्रॉपर्टी क्या होती थी? सेम। तो देखो बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाई द एलिमेंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर। इसके पहले बेटा किसी ने कोई ढंग की बात नहीं की थी। इनका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। 63 एलिमेंट जो थे नोन थे, इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। 7 पीरियड होते हैं बेटा, 8 ग्रुप होते हैं जिसमें 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। ए सब ग्रुप हमारा नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है, बी सब ग्रुप हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। अब देखिए इतनी सारी बातों के बाद जो है मेंडलीव साहब की बहुत जयघोष होने लगी, चारों तरफ एकदम खुशी का नजारा आ गया, क्योंकि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट होते थे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी? सेम हो जा रही थी। अब हमारे लिए याद करना क्या हो जा रहा था? आसान। तो अब इनकी हम एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो एडवांटेज में हम लोग कहते हैं क्या कि भैया पहला, स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजी। हमें एलिमेंट की स्टडी करना हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया, क्योंकि एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कोई चीज हमारे पास आ चुकी थी। फिर हम लोग कहते हैं प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट का इन्होंने प्रेडिक्शन किया। हुआ क्या ना, दरअसल जैसे जब ये एलिमेंट को रखते हुए जा रहे थे तो जहां पर किसी एलिमेंट को रखा इन्होंने, इन्होंने देखा इसकी जो प्रॉपर्टी है इस ऊपर वाले से सेम ना हो करके इसके पड़ोसी से सेम हो रही है, तो ये जगह खाली रख करके ये आगे बढ़ गए, और इसके जो प्रॉपर्टी सेम हो रही थी इसको यहां रख दिया। ये जो खाली जगह छोड़ा, इन्होंने कहा कि फ्यूचर में हो ना हो
कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जो यहां पर रखा जाएगा। तो बेटा देखिए इस तरह से इन्होंने स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम, ये चार एलिमेंट थे जिनके लिए इन्होंने जगह छोड़ा था। अब ये जो जगह छोड़ा था इनको याद कैसे करें, तो एक बार बेटा आप ये छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, गंगा से जमुना तक, एक बार गंगा से जमुना तक घुमाइएगा, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक घुमाइएगा बेटा, आपको सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब देखिए बेटा हम लोग देखते हैं इक्का बोरॉन, ठीक है ना, इक्का बोरॉन, इक्का मैग्नीज। तो देखा ब्लैंक स्पेस एट एटॉमिक वेट 72 इन द सिलिकॉन ग्रुप वाज कॉल्ड इक्का सिलिकॉन, मींस प्रॉपर्टी लाइक सिलिकॉन, ठीक है ना। हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी लाइक सिलिकॉन कौन है, जर्मेनियम, जर्मेनियम के पहले कौन आता है, सिलिकॉन। हम बोले स्कैंडियम लाइक प्रॉपर्टी कौन है, बोरॉन। टेक्नीशियम लाइक प्रॉपर्टी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम लाइक प्रॉपर्टी गैलियम। तो इनको याद कैसे करना है, इक्का वाले को याद करने का छोटा स्टिक देखो, इक्का बोरॉन यानी बोरॉन का स्कैंडियम ही होगा, ध्यान रखिएगा स्कैंडियम के पहले बोरॉन आता है, बोरॉन के पहले स्कैंडियम नहीं आता है। तो इसको याद कैसे करना है, बीएससी बेटा इंटर करने के बाद लोग क्या करते हैं, बीएससी। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं कि बोरान का स्कैंडियम ही होगा, इक्का बोरान का क्या होगा, स्कैंडियम। यहां पर देखिए सिलिकॉन का है जर्मेनियम, तो याद रखो बेटा सीता की बहन थी कौन, गीता, सीता, गीता, सीता जो थी पहले आई, गीता जो है बाद में आई, रामायण पहले आया, महाभारत बाद में आया, तो पहले सीता फिर कौन आई, गीता, एक बहन और होती तो हो जाती पपीता, ठीक है ना, सीता गीता पपीता, तो ये सीता फिर हुई गीता। अब हम कहते हैं एल्युमिनियम और गैलियम, इसको याद रखो बेटा आलू, और साथ में इसको याद रखिए गाजर, आलू के साथ क्या खाना है बेटा, गाजर, और कब तक खाना है, जबले तुम्हारा मन ना भरे तब तक, मन तक। अब देखो बेटा अब कई जनरेशन तक तुम भूलने वाले नहीं हो, इंटर के बाद बीएससी, सीता की बहन गीता, आलू के साथ गाजर, कब तक, जबले मन ना भरे तब तक। तो ये हो गए बेटा आपके वो एलिमेंट जिसके लिए इन्होंने खाली जगह छोड़ा था। फिर हम लोग कहते हैं बेटा कि करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसके एटॉमिक वेट जो थे डाउटफुल थे, उसको भी इन्होंने करेक्ट किया था। कौन कौन से थे, बेरिलियम, इंडियम, यूरेनियम, गोल्ड और प्लेटिनम। इनको कैसे याद करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है, ऐसे याद रखिएगा, बेईमान, इंसान, तुम, गोल्ड, प्लेटिनम, चुराते हो, बेईमान, इंसान, तुम, गोल्ड, प्लेटिनम, चुराते हो। एक बार बेटा बेईमान इंसान को याद कर लीजिएगा, सारे के सारे आपको जो इन्होंने डाउटफुल एटॉमिक वेट थे वो सब के सब मिल जाएंगे जिसका इन्होंने करेक्शन किया था। तो ये देखिए बेटा ये थी इनकी जो है मेरिट्स थी आपके मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल की जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आता है बेटा इनके डीमेरिट्स, अब इनकी कमियां क्या क्या मिली। अगर हम कमियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली कमी इनकी ये थी बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो एल्कली से भी मिलती है और हैलोजन से भी मिलती है, तो मेंडलीफ साहब अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए थे हम इनको कहां पर रखें। फिर हम कहते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप आप जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग। भाई देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, हाइड्रोजन होता है उसके तीन आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। भैया एक बात बताइए, इसका एटॉमिक वेट एक है, इसका एटॉमिक वेट दो है, इसका एटॉमिक वेट तीन है, और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक बेस पे बेस था, तब तो इस हाइड्रोजन को कितनी जगह रखना पड़ेगा, तीन जगह। तो जब भी आइसोटोप की बात आई तो आइसोटोप, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप डिफर, दे शुड हैव प्लेस्ड इन द डिफरेंट पोजीशन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, बट देयर इज नो सच प्लेस फॉर द आइसोटोप। मतलब आइसोटोप की पोजीशन से क्या समस्या आई, जैसे आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, अब बताइए एक ही एलिमेंट को तीनों जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक वेट में बेस है, तो गड़बड़ हुई ना बेटा बात। और भी इनकी क्या दिक्कतें आई, और दिक्कतों में आया जैसे हम लोग कहते हैं बेटा कि एक जैसे प्रॉपर्टी शो करने वाले जो एलिमेंट्स थे इनको उठाकर इन्होंने अलग अलग कर दिया था।
मतलब जो एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते थे इनको उठा के इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग। जैसे ये आया, लाइक एलिमेंट वॉज प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, देयर वॉज सम एलिमेंट लाइक द प्लेटिनम एंड गोल्ड विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी बट दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, वो प्लेटिनम को एर्थ और गोल्ड को फर्स्ट भी में रख दिया। इसी तरह अनलाइक एलिमेंट वॉज प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, मतलब जो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करते थे उनको उठाकर एक जगह रख दिया। जैसे कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, हम लोग जानते हैं ये मोर रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर सिल्वर गोल्ड जिसको क्वाइनेस मेटल भी कहते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के साथ आप उठा के रख दे रहे हैं। ये कहां की नाइंसाफी है, यानी कि जवान लोगों के साथ आप लोग ओल्ड एजेस पर्सन को रख देंगे तो कभी उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, लाइक एलिमेंट वॉज प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, अनलाइक एलिमेंट वॉज प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। फिर एक बात आती है बेटा, एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर का मतलब जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है उसको बाद में रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उठा के कहां रख दिया था, पहले। अब वो एनोमलस पेयर कौन कौन होते हैं बेटा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप एकदम आसानी से याद कर लेंगे। देखिए इसको याद रखिएगा, अरे काका, अरे काका तेरी आई, अरे काका तेरी आई था पा को नहीं जानती, अरे काका तेरी आई थापा को नहीं जानती। एक बार काका से पूछ लीजिएगा, थापा की हालचाल सब बता देंगे, अरे काका तेरी आई थापा को नहीं जानती। दीज आर द एनोमलस पेयर, आर्गन एंड कोबाल्ट वर प्लेस बिफोर द पोटेशियम एंड निकल रिस्पेक्टिवली इन द पीरियोडिक टेबल बट हैविंग एटॉमिक वेट, हायर एटॉमिक वेट, हायर एटॉमिक वेट जिसका होता है उसको बाद में होना चाहिए था, इन्होंने उठा के कहां रख दिया था, पहले। तो ये मिल गया हमारे मेंडलीफ की डिमेरिट्स। क्या क्या डिमेरिट्स हम लोगों ने देखा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, लाइक एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप एंड अनलाइक एलिमेंट और इन सेम ग्रुप, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, और सबसे बड़ी गलती क्या मिली बेटा, सबसे बड़ी गलती तो यह मिली थी, इट वॉज नॉट क्लियर दैट लेंथेनाइट एक्टिनाइट वॉज इन थर्ड ए या थर्ड बी। मैंने लेंथेन और एक्टिनाइट को यह नहीं बता पाया कि थर्ड ए में या थर्ड बी। और जो सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये नहीं बताया कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम क्यों हो रही है, इस बात को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मेंडेलीफ पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, आंख बंद करके मारेंगे, एटॉमिक वेट, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट सिस्टमेटिक वॉज द मेंडेलीफ, एटॉमिक वेट इज 39 एंड 132, बेटा दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल लीजिएगा, 85.5 आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द डोबेनियर ट्रायड रूल, ट्रायड रूल नॉट ट्रायड रूल। तो आप देखो बेटा, इनके बीच का गैप 18-18, इनके बीच का भी गैप 18-18, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम के बीच का गैप भी 8-8 है। यहां पर देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, 8 और 18 होगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो गया बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। अभी देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं साथ में डिस्कस कर लेता हूं बेटा। देखिए क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ ट्रायड इज अप्लीकेबल टू, लॉ ऑफ ट्रायड किस पे अप्लीकेबल है, हमने बताया था लिथियम से कैल्सियम, लिथियम से कैल्सियम, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एकदम सही है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ये बिल्कुल सही नहीं है। लॉ ऑफ सॉरी ट्रायड पूछा है बेटा, ट्रायड दिमाग से उतर गया। देखिए ट्रायड का मतलब होता है डोबेनियर ट्रायड रूल, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन्हीं के बीच का गैप बराबर है, 18-18 है, यही फॉलो करेंगे, ये सब पीरियड के एलिमेंट फॉलो नहीं करेंगे। लॉ ऑफ ट्रायड इज नॉट अप्लीकेबल टू, ठीक है ना, अब कहां पर अप्लीकेबल नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बीच का गैप बराबर होता है, सल्फर सिलिनियम टेलिनियम के बीच का गैप बराबर होता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम भी चेक कर लीजिएगा, कैल्सियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम भी चेक कर लीजिएगा। बेटा सब मैंने आपको ट्रिक बता रखा, विच अब आंसर अगर चाहते हो बेटा तो मैं चेक ही कर देता हूं, ये तो 100% है, इनके बीच का गैप जो होता है वो 18-18 होता है, ठीक है ना, 18-18 होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सोडियम, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम 8, 18, 18, यहां पे भी गैप 18-18, ये भी फॉलो करेगा, 18-18 ये भी फॉलो करेगा। अब देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्सियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, ये होता है 8, 18, 18, 32, तो इन्हीं के बीच का गैप बराबर नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ न्यूलैंड लिथियम से कैल्सियम तक होना चाहिए, देखिए ये है
ये गैलियम नहीं होगा, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं होगा, रुबिडियम नहीं होगा, तो आंसर हो गया थर्ड। विच फॉर विच पेयर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज नॉट वैलिड, भाई ये देखिए हमारे कैल्सियम के अंदर है, ये भी कैल्सियम के अंदर है, ये भी कैल्सियम के अंदर है, ये ब्रोमीन बाहर चला गया, आंसर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज प्रेजेंट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, न स्कैंडियम था, न टेक्नीशियम था, न गैलियम था, आंसर हमारा क्या हो गया, फोर हो गया। चलिए इसमें बेटा आपको क्वेश्चंस भी मिल गए। फिर आते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहली बात तो देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखना, मैं एक बार में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। प्रपोज बाय द मोजले एंड इनॉर्ट गैस वॉज डिस्कवर्ड बाय द रैमसे। अब यहां पर ग्रुप हो गए हमारे 9 और पीरियड हो गए हमारे 7। इन्होंने जब फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट के बीच ग्राफ बनाया तो जिगजैग ग्राफ मिला था, वहीं पर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जब मोजले एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन मिला। इन्होंने कहा कि हमारा जो बेस है वो एटॉमिक वेट नहीं होगा, वो हमारा बेस होगा एटॉमिक नंबर। तो चलिए आ जाते हैं बेटा फटाफट, प्रपोज बाय मोजले बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है ना, क्योंकि इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस हो गया था 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। फिर आता है हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। आजकल जिस पीरियोडिक टेबल को हम लोग पढ़ते हैं बेटा वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको प्रपोज किया था रैंग एंड वर्नर ने, जो कि बेस्ड है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, एफ में गया तो एफ ब्लॉक, जिस सबसेल में जाएगा वही ब्लॉक वो क्या करेगा कहलाएगा। तो सीधी सी बात यहां निकल के आती है। और यहां पे जो था टोटल हमारे 18 ग्रुप थे, 7 पीरियड थे, और यहां पर भी बताया गया आखिर क्या वजह है कि किसी भी ठीक है ना ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है, यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूं, चलिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, अब बताइए सबके बाहर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 है और नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1 है। इसी तरह नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां पर 3 है, यहां पे 4 है। आप देख सकते हैं ये 15 ग्रुप जिसको हम निकोजन फैमिली भी कहते हैं, निकोजन का मतलब होता है फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट, कैल्कोजन जिसको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं, यानी किसी भी ग्रुप में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, इसीलिए किसी भी ग्रुप में प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है सेम होती है। तो देखिए ये बातें हम लोगों ने की थी बेटा, और टोटल ग्रुप हमारे जो थे वो 18 थे, मैंने बोला था 1 to 7 टू सब ग्रुप में, तो 7 × 2 कितने हो गए 14, 8 × 3 = 17, फिर लास्ट में इनर्ट गैस कितने हो गए 18। तो देखिए यहां तक बेटा 14, फिर एर्थ के 3 हुए, फिर इनर्ट गैस हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड की, तो देखिए सबसे पहली बात कि बेटा हमारे फर्स्ट पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक सबसेल होता है 1s, और नंबर ऑफ एलिमेंट कौन होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट। सेकेंड में बात करते हो तो टोटल एलिमेंट हमारे 8 आते हैं, एस और पी 2 सबसेल होते हैं, लिथियम से लेकर नियॉन तक, इसको शॉर्ट बोला जाता है। थर्ड पीरियड में जो होता है 3s 3p होता है, यहां भी 8 होता है, सोडियम से आर्गन, ये भी शॉर्ट बोला जाता है। फोर्थ पीरियड में 4s 4p और 3d 3 सबसेल आते हैं, 18 एलिमेंट होते हैं, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, इसको लॉन्ग कहते हैं। फिफ्थ में 5s 5p 4d 18 रुबिडियम टू सीजियम, लॉन्ग बोलते हैं बेटा। सिक्स में होता है चारों सबसेल, 6th और 7th पीरियड ऐसा है बेटा जिसमें चारों पाते हैं, इसमें देखिए सीजियम टू रेडॉन लॉन्गेस्ट बोलते हैं, फ्रेंसियम टू बेटा ऑग्नेसॉन 118 इसको भी आप लॉन्गेस्ट कह सकते हो। 6th और 7th पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। तो ये देखिए बेटा आज हम लोगों ने बात की है पूरा डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उनका क्या क्या सीरीज में कौन कौन से साइंटिस्ट आए। तो सबसे पहले देखिए पीरियोडिक टेबल क्या होता है मैंने बताया, फिर उसके बाद लेवोजियर प्राउट्स
डोमेनिया, न्यूलैंड, लोथर मेयर, फिर मेंडलीफ, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर आया आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैंने कंप्लीट बेटा आपको डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको बेटा अच्छे से एक बार रिवाइज करते रहिए, साथ में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा। अब इस पे बेस्ड मैं आगे आप लोग को क्वेश्चन बताता रहूंगा, तब तक के लिए बेटा आप लोग घर पे बैठ के खूब अच्छे से इन सभी टॉपिक को रिवाइज करते रहिए, और ऐसे और ढेर सारे जैसे जैसे आपके क्लास के टॉपिक चलते रहेंगे मैं थ्योरेटिकल वीडियो बना करके आप लोगों को सेंड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए।